चमोली में हिमालय दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर वक्ताओं ने हिमालय के संरक्षण के साथ हिमालय में आजीविका और पर्यटन की संभावना विषय पर विस्तृत चर्चा की। वहीं पर्यावरणविद चंडी ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हिमालय के औषधीय पादपों की खेती करने की जरूरत है, जिससे वनों से दोहन पर निर्भरता कम की जा सके। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। ये का कितना उसमें उसके विकास में कितना योगदान है और हम लोगों का हिमालय के प्रति कितना दायित्व है। विशेषकर ये जड़ी बूटी शोध संस्थान एक धरातल आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों से हटके एकदम पहाड़ में स्थित है और जड़ी बूटियों के संरक्षण, एक जड़ी बूटी क्योंकि एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी संसाधन है, तो इसके संरक्षण के लिए विशेषकर जड़ी बूटी शोध। बारिश हो रही है, वो मिट्टी हमारी नदियों में जा रही है, वो बह करके इसके सरद्वार, जैसे इस साल आपने सुना होगा कि वहाँ पानी काफ़ी ऊपर तक बढ़ गया, बारिश उतनी नहीं हुई जितना कि नदियों का तल उठ रहा है। एक समय ऐसा आएगा ऋषिकेश हरिद्वार, जो नदियों के किनारे जो शहर है, आबादी है, वो बिल्कुल पानी उसके ऊपर बढ़ रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ ना।